हेलो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज, कैसी हैं आप। आज मैं आपके सामने हेयर हीना पैक लेके आई हूँ। ये ड्राई एंड डैमेज्ड और फ्रिजी बालों के लिए है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि ये पैक लगाने के बाद आपके बाल जो झाड़ू में बहुत ही फ्रिजी और ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें सिर्फ चार चीज़ें ऐड करनी है, मिल्क, मेहंदी, कोकोनट और इवियन कैप्सूल। मेहंदी बालों को कंडीशनर करेगी एंड मिल्क, विटामिन ई के कैप्सूल, कोकोनट ऑयल बाल को मॉइस्चराइज करेंगे, प्रोटीन देंगे। तो यहाँ पे मैंने नुपुर हिना लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि मेरे बाल मीडियम है, तो मैंने उसी के हिसाब से ये पैक रेडी किया है। अगर आपके बाल लंबे हों तो उसी हिसाब से पैक रेडी करिएगा, और अगर आप मीडियम से भी आपके बाल छोटे तो उस हिसाब से पैक रेडी करिएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हिना लिया है, उसमें दो विटामिन ए के कैप्सूल मिक्स करे हैं। लंबे बालों के लिए चार विटामिन ए के कैप्सूल ऐड कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैंने एक चम्मच कोकोनट ऑयल किया है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप दो चम्मच कोकोनट ऑयल कर सकती हैं, उससे अपने बालों के अकॉर्डिंग घने हैं या ग्रोथ है जैसे भी है वैसे आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल वगैरह ये सब कभी भी चीज़ें नुकसान कर ही नहीं सकती, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी इसको अप्लाई करने में कभी भी डरिएगा नहीं, ना ही कोकोनट ऑयल नुकसान करेगा, ना ही मिल्क नुकसान करेगी, और ना ही विटामिन ई के कैप्सूल और ना ही मेहंदी। ये तीनों चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं जो हेयर को कभी भी नुकसान कर ही नहीं कर सकती। तो इन चारों चीज़ों का मिक्सर पेस्ट अच्छे से रेडी कर लेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे, किसी भी तरह का लम्स नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये पेस्ट लगाने से पहले बालों में किसी तरह का कोई भी ऑयल ना हो, कोई भी जेल ना लगा हो, पूरे बालों को वॉश करके लगाना है, तभी इस पेस्ट का असर आएगा। इस हिना हेयर पेस्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुरंत अपने बालों में अप्लाई करना है और 30 मिनट तक अपने बालों में रखना है। और इसको बालों में अप्लाई कैसे करना है आइए जानते हैं। Stop, turn it up. आप बालों में इस तरह हिना हेयर पेस्ट लगाएंगे तो बालों की जड़ों से लेकर एक एक बालों में ये पेस्ट बहुत ही अच्छे से लग जाएगा और एक एक बाल में असर भी दिखेगा। और इसको हफ्ते में दो बार अप्लाई करना है। दो बार अप्लाई करेंगी तो आपको एक हफ्ते बाद ही नजर आएगा, तो इसलिए हफ्ते में इसको दो बार अप्लाई करना ही करना है। ज़्यादा आपके बाल ड्राई हैं तो इसको ज़्यादा भी अप्लाई कर सकती है, मैंने पहले ही भी बोला है ये किसी तरीके का कोई भी बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी गारंटी है। मैं चैलेंज करती हूँ इस बात के लिए। मिनट बाद बालों में मेहंदी अप्लाई करने के बाद बालों को रखने 30 मिनट तक रखने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लीजिए। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद देखिए आप खुद देखेंगे बालों में कितना ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। आपको जो ड्राई फ्रीजी और डैमेज्ड हेयर है
वो आपको सिल्की और स्मूथ दिखने लगेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी नए व्यूअर्स आए वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नेक्स्ट मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर होंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।